फ्रेंड्स, होममेड शैम्पू बनाने के लिए जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें पहला है आंवला, रीठा और शिकाकाई। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट मैंने सेम क्वांटिटी में लिए हैं, हाफ कप एंड हाफ कप। ये तीनों इंग्रेडिएंट आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लें और इसमें आंवला, रीठा और शिकाकाई तीनों चीजों को ऐड कर लें। अब इस पैन में 1 लीटर पानी ऐड करें। पानी ऐड करने के बाद इसे ढक दें और ओवरनाइट सोक करके रख दें। नेक्स्ट डे सोक किए हुए आंवला, रीठा और शिकाकाई को स्टोव पर रखें, फ्लेम ऑन करें और इसे करीब 5 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख दें। इसे किसी प्लेट से कवर कर दें। और लो फ्लेम पर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल होने दें। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गया है और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। इसे कवर करके रख दें और ठंडा होने के बाद ही इसे छानें। तो अभी ये ठंडा हो गया है और हम इसे छान लेंगे। हमारा शैम्पू बनकर तैयार है। इसे किसी बॉटल में शिफ्ट करें। केमिकल फ्री नेचुरल शैम्पू। इस होममेड शैम्पू का यूज करने से बालों का झड़ना रुक जाता है और बालों में नेचुरल कलर आ जाता है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें।